दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने जीमेल अकाउंट में रिकवरी ईमेल को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने जीमेल अकाउंट में रिकवरी ईमेल कैसे चेंज कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड मैंने जब भी वीडियो पोस्ट करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अभी हम जानते हैं कि हम अपने जीमेल अकाउंट में या गूगल अकाउंट में कैसे हम रिकवरी ईमेल को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। आपको क्या करना होगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। साइट में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सिंपली आपका जो जीमेल आईडी का जो आइकन प्रोफाइल होगा उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका जीमेल आईडी दिखेगा। आप सिंपली उस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे टैब दिए हुए हैं, जैसे होम, इसके अलावा देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा देख सकते हैं डाटा एंड प्राइवेसी, उसके बाद सिक्योरिटी। तो यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन मिलता है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आपको जाना होगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके दोस्तों आपको ऊपर की ओर लेके जाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है रिकवरी ईमेल और यहाँ पे बता रहा है कि एड एंड ईमेल एड्रेस। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, अब आपको बोल रहा है कि आपका जो पासवर्ड है दोस्तों, जो जीमेल आईडी का पासवर्ड है, वो पासवर्ड इंटर कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद मेरे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास यहाँ पे अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है you@example.com। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी आपका जीमेल आईडी आपने ऐड करके रखा है उसको सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आप रिकवरी के लिए ईमेल आईडी आप यहाँ पे सबमिट करेंगे उसमें दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद वहाँ से दोस्तों आप अप्रूव कर लीजिएगा या फिर उसमें एक ओटीपी जाएगा, उसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका रिकवरी ईमेल सेट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से दोस्तों आप जो जीमेल आईडी होगा उसमें दोस्तों आप रिकवरी ईमेल को सेट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना जीमेल अकाउंट में रिकवरी ईमेल सेट नहीं किया हुआ है तो कुछ इस प्रकार से आप इसे सेट कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आप अपने जीमेल अकाउंट में रिकवरी ईमेल को कैसे जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर नया सेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल और साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।